Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका Knowledge the Ambition के हिमाचल प्रदेश माने ज्ञान के सेशन में. हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के MCQs के सेशन को कंप्लीट. हम ले जाएंगे इसको जब तक कि हिमाचल प्रदेश का ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो नहीं जाता. तो आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये बेनिफिशियल हो रहा होगा और आप वीडियोज़ को अच्छे से देख रहे होंगे. तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में आप जाके उन्हें देख सकते हैं और कंटिन्यूस रेगुलरली आप जुड़े रहिए नॉलेज द एम्बिशन के साथ, क्योंकि ये डेली की सीरीज़ हम डेली अपडेट करते रहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के साथ. फ्रेंड्स अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल सिद्ध हो रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके और इनका ये फ़ायदा उठा सके, उनकी पढ़ाई में ये बेनिफिशियल हो. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पूछा गया है कैंग्योर और तैंग्योर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है. आपको बताना है कि कैंग्योर और तैंग्योर जो है वो किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है. लाहौल के हैं, खंपा के, स्वांगली के, किन्नौरी के. तो कैंग्योर और तैंग्योर जो किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है, ये दो धर्म ग्रंथ है कैंग्योर और तैंग्योर. आपको समुदाय का नाम बताना है कि ये किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है. तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है लाहौल की. लाहौली जो है, लाहौल समुदाय जो है उसके ये दो धर्म ग्रंथ है तैंग्योर और कैंग्योर. ठीक है, तो किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है, लाहौली समुदाय के धर्म ग्रंथ है ये. क्वेश्चन नंबर टू है हमारा केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है. तो केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है. प्रताप प्रपात का, शैलश्रृंग का, सब्जियों का या शिल्प का. तो आपको बताना है कि जो केलांग सुंदरी है इनमें से किसका अभिधान है. तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर है शैलश्रृंग, यानी जो पर्वतीय आपका शैलश्रृंग होता है ये पर्वतों से रिलेटेड है. तो ये केलांग सुंदरी शैलश्रृंग का अभिधान है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की हम बात करते हैं. पूछा गया है कि नौनौ वजीर किस रियासत से संबंध रखता है. नौनौ वजीर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है. नौनौ वजीर जो है वो किस रियासत से संबंध रखते हैं, चंबा से, कुल्लू से, बुशहर से या सूरजपुर से. तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है बुशहर से. नौनौ वजीर जो है वो बुशहर रियासत से संबंध रखते हैं. बुशहर रियासत जो है से जो है वो संबंध रखते हैं नौनौ वजीर. आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की हम बात करते हैं. पूछा गया है कि 1554 के आसपास मंडी के किस राजा ने दारंग और आपका द्रंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया था. आपका द्रंग और जो गुम्मा जो है ये नमक के खाने हैं, यहाँ पर मंडी में स्थित हैं ये. जो 1554 के आसपास मंडी के किस राजा ने द्रंग और गुम्मा को कब्जे में कर लिया था. वीर सेन ने, सूरज सेन ने, बाहू सेन ने, साहिब सेन ने. तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है साहिब सेन ने जो है वो 1554 के आसपास मंडी के राजा था ये साहिब सेन. इसने 1554 के आसपास जो आपकी द्रंग और गुम्मा नमक की खाने थी यहाँ पर कब्जा कर लिया था साहिब सेन ने. ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर फाइव की हम बात करते हैं. पूछा गया है कि बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से मार दिया था. ये आपका HS के एग्ज़ाम, HS का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम ये पूछा गया था. तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ, बंगाल जो आपका बंगाल रियासत है इस रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से मार दिया था. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए. तो जो आपका बंगाल रियासत है इसके किस राजा को मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से मार दिया था. पृथ्वीपाल को, रघुनाथ पाल ने, या दलेल पाल ने, या मानसिंह पाल ने. तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है जो आपका पृथ्वीपाल था, राजा बंगाल रियासत का राजा था पृथ्वीपाल. इसने इसे मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से मार दिया था. मारा किसने था, मंडी के राजा सिद्ध सेन ने बंगाल रियासत के राजा पृथ्वीपाल को जो है धोखे से मार दिया था. क्वेश्चन नंबर सिक्स की हम बात करते हैं. मियां जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ. जो आपका मंडी षड्यंत्र था, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो आपका मंडी षड्यंत्र था ये हुआ था, हम यहाँ पर आंसर डिस्कस कर लेते हैं पहले कि
जो आपका मंडी षड्यंत्र हुआ था, ये 1914 और 15 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर है। एग्जाम्स में क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाता है कि जो आपका 1914-15 का मंडी का षड्यंत्र था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी के नेतृत्व में जो है मंडी का षड्यंत्र, मंडी षड्यंत्र जो हुआ था 1914 और 15 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। कहा गया है कि 1909 में मंडी के किस राजा के विरुद्ध, सॉरी 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था। तो 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया था, मथुरादास ने, हरदेव ने, शोभा राम ने या मियाँ जवाहर सिंह ने। तो जो आपका मंडी का आंदोलन था, मंडी का खासकर जो आंदोलन था मंडी के राजा के विरुद्ध था ये, तो ये किसे किसने संगठित किया था। डेट वाइज आप इसको याद रख सकते हैं, 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध आंदोलन किसने संगठित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, शोभा राम ने जो है वो 1909 में मंडी के राजा के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया है कि मंडी के किस राजा ने माधव राव को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया। अब मंडी रियासत का कुल देवता है माधव राव, तो मंडी के किस राजा ने मंडी रियासत का कुल देवता बनाया माधव राव को, बाहु सेन ने, अजबर सेन ने, सिद्ध सेन ने या सूरज सेन ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, सूरज सेन ने जो है वो माधव राव को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया था। यहाँ पर ऑप्शन है अजबर सेन, अजबर सेन ने क्या किया था आपका, अजबर सेन ने मंडी की स्थापना की थी। सिद्ध सेन से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका सिद्ध सेन है इसने क्या किया था, बंगाल रियासत के राजा को धोखे से मार दिया था सिद्ध सेन ने, ये मंडी का राजा था सिद्ध सेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यहाँ पर अजबर सेन ने मंडी की स्थापना की थी, सिद्ध सेन ने बंगाल रियासत के राजा को धोखे से मार दिया था और सूरज सेन ने क्या किया था, सूरज सेन द्वारा क्या किया गया था, माधव राव को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया गया था। तो इस तरह से इंटरलिंक करके आप जो राजाओं के कार्यकाल में हुए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें याद कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप MCQ सॉल्व करते हैं तो उसके ऑप्शंस के साथ आप इंटरलिंक करें, जैसे कि यहाँ पर अजबर सेन दिया गया, सिद्ध सेन दिया गया, सूरज सेन, तो यहाँ पर सभी राजाओं द्वारा सभी राजाओं के साथ कुछ ना कुछ तथ्य जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हें उसी टाइम रिवाइज कर लें, तो इससे आपको आसानी होगी चीज़ों को याद रखने में। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था। 1934 ईस्वी की बात की जा रही है, तो पूछा गया है कि किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था, आपका मंडी, कुल्लू, कांगड़ा या सिरमौर। तो मंडी जो रियासत थी इसने 1934 ईस्वी में प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो 1934 ईस्वी में मंडी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। पूछा गया है कि गासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह वजीर किस राज्य से संबंध रखते हैं। गासो वजीर और जो आपका सरदार ज्वाला सिंह वजीर है वो किस राज्य से संबंध रखते हैं, चंबा, मंडी, कांगड़ा या कुल्लू। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, मंडी। यानी गासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह जो है वो मंडी राज्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। पूछा गया है कि किस राज्य ने नालागढ़ को हिंडोर रियासत की राजधानी बनाया था। जो आपका नालागढ़ है इसे हिंडोर रियासत की राजधानी बनाया था किस राजा ने, तो आपको बताना है रामचंद ने, विक्रमचंद ने, आलमचंद ने या विजयचंद ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, आलमचंद द्वारा जो है वो नालागढ़ को हिंडोर रियासत की राजधानी बनाया गया था। हिंडोर नालागढ़ का पुराना नाम आपका हिंडोर है, तो नालागढ़ को जो है हिंडोर रियासत की राजधानी बनाया गया था आलमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 ईस्वी में किसने की थी। मैं आपकी जो आप मेरी पुरानी वीडियोस हैं इसी सेशन की उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी होंगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। पूछा गया है कि कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 ईस्वी में किसने की थी, वीरचंद ने, रामदेव ने, सूरजचंद ने, अबोजदेव ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, अबोजदेव द्वारा जो है वो कुनिहार रियासत की स्थापना 1154 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। पूछा गया है कि जासवां और कुटलहर रियासत वर्तमान
वर्तमान में किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि जसवान और कुटलहर रियासत वर्तमान में किस जिले में स्थित है? वर्तमान जिला बताना है जहां पर कि जसवान और कुटलहर रियासत वर्तमान में स्थित हैं, ऊना में, हमीरपुर में, बिलासपुर में या कांगड़ा में। तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर है, ऊना में। जसवान और कुटलहर रियासत जो है वर्तमान में ऊना जिले में स्थित है, ऊना जिले में स्थित है जसवां और कुटलहर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पूछा गया है कि तिलोरधार किस जिले में स्थित है? तिलोरधार किस जिले में स्थित है, चंबा में, सिरमौर में, कुल्लू में या लाहौल स्पीति में? तो आपको पता होना चाहिए कि तिलोरधार कहां पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सिरमौर में तिलोरधार जो है स्थित है। तिलोरधार याद रखिएगा, तिलोरधार सिरमौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो आपका सिख पीरियड आता है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और रणजीत सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इनसे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे ही जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? करम प्रकाश, बुद्ध प्रकाश, मेदिनी प्रकाश या शुभंश प्रकाश? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, जो मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में जो है गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर की यात्रा की थी, मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में। यहाँ पर जो मेदिनी प्रकाश था वो सिरमौर रियासत का शासक था, तो गुरु गोविंद सिंह ने इसी के शासनकाल में जो है वो सिरमौर की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 16 हम बात करते हैं, बोला गया है कि कटासन की लड़ाई कीवर्ड यहीं पर बनता है इसका, कि कटासन की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, किसके बीच में? जगत प्रकाश और आपका ऑप्शन नंबर 4 से आंसर है, गुलाम कादिर रोहिला और सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के बीच में कटासन की लड़ाई हुई थी। कटासन की लड़ाई से इम्पॉर्टेंट जो दो नाम जुड़ते हैं, राजा जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिला, ये याद रखिएगा, जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिला, कटासन की लड़ाई हुई थी, सिरमौर का राजा था जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिला के बीच में ये लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 हम बात करते हैं, पूछा गया है कि शिमला कब भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था? तो शिमला जो था भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था। यहाँ पर भारत सरकार से मतलब है हमारा कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उस पीरियड की बात की जा रही है। तो आपको बताना है कि शिमला कब भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था शिमला को किस वर्ष में? 1864 में, 1864 में जो है शिमला को भारत सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त का कार्यालय शिमला के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त का कार्यालय जो है वो शिमला के किस स्थान पर स्थित है? रिचमंड विला, आर्म्सडेल भवन, डेल विला या रेवन्सवुड? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो आपका हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त का कार्यालय शिमला के किस भवन में स्थित है? जो आपका मुख्य आयुक्त का कार्यालय शिमला में होता है वो होता है आपका आर्म्सडेल भवन में मुख्य आयुक्त का कार्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, पूछा गया है कि कर्नल रोथनी के जाखू चोटी पर रोथनी किला किस वर्ष बनाया गया? जो आपका कर्नल रोथनी थे उनके द्वारा जाखू चोटी कहाँ पर है आपकी, इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस हम कर चुके हैं। तो जाखू चोटी आपकी शिमला में स्थित है। तो पूछा गया है कि कर्नल रोथनी के द्वारा जाखू चोटी पर रोथनी किला किस वर्ष बनाया गया? 1830 में, 1838 में, 1818 में, 1824 में? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर, 1818 में जो है कर्नल रोथनी के द्वारा जाखू चोटी पर रोथनी किला बनाया गया था 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूछा गया है कि शिमला नगरपालिका का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1859 में, 1885 में, 1855 में, 1852 में? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो आपका कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शिमला
मैं ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष स्थापित हुआ, ये नॉलेज और टेस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो 1955 में जो है वो शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। इसी के साथ सपोर्ट कीजिए नॉलेज द एम्बिशन को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।